हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओपन सोर्स कुक। तो आज हम देखते हैं हमारा एक हाइड्रोपोनिक सेटअप। ये हमने करीब एक महीने पहले किया था। तो ये इसको क्रैटी मेथड कहते हैं, जिसमें पानी हम रोटेट नहीं करते हैं और इसमें पौधे लगा रखे। हमने दो बैंगन के पौधे लगाए थे। तो यहाँ पे ये मैं फोटो डाल देता हूँ। ये करीब एक महीने पहले आप देख सकते हैं इसका क्या साइज था। तो ये हमने नेट कप्स में लगाए हुए हैं। ये मेरे पास 3 इंच के नेट कप हैं, जिसे आप देख सकते हैं। नेट कप्स में हमने ये हाइड्रोटॉन यूज किए हुए हैं, ये रहे। तो ये इसमें नेट कप में हाइड्रोटॉन्स डाल के पौधे को सपोर्ट के लिए हमने रखा है। तो ये इनकी ग्रोथ करीब एक महीने में, ये थोड़ा बड़ा लगाया था मैंने पहले ही और ये तो एकदम छोटा था। तो ये 6 तारीख के बाद, आज 31 अक्टूबर 2020 को इतने बड़े हो गए। तो इसमें होता क्या है कि आप देख सकते हैं, ये उसकी रूट्स जो आपको नजर आ रही होंगी, ये यार थोड़ा लाइट में आप देख सकते हैं रूट्स आ गई हैं। तो ये अभी रूट्स इसमें डिप रहती है। इसमें एक मैंने होल कर रखा है जिससे एयर पंप लगा देते हैं, जो आप फिश एक्वेरियम में यूज करते हैं। तो एयर पंप से वाटर में एरेशन होता रहता है, उससे थोड़ी ग्रोथ बेटर हो जाती है। तो ये तो है हमारा एक सेटअप जो किया हुआ है। और ये आज मैंने दूसरा लगाया है। इसमें हमने टमाटो के प्लांट्स लगाए हैं, जो मैंने करीब एक हफ्ता भर पहले इनिशियलाइज किए थे। हफ्ता 10 दिन हो गए। तो इनको मैंने ट्रांसप्लांट करके ये अपने नेट कप में लगा दिया है। इसके नीचे अगर आप देख सकते हैं, ये नेट कप में लगा हुआ है। तो अभी इसमें पानी हमने इतना ही भरा है कि ये इसके बेस को टच कर रहा है, तो इसको थोड़ा पानी मिल जाएगा। तो ये क्रैटकी सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर वाटर पंप लगा हुआ है। पंप से एक फायदा और होता है कि इससे जो बबल्स निकलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी उछल के आपके नेट कप में भी लगता रहता है। तो अभी हम एक और पंप लाके दूसरे वाले में भी लगा देंगे और फिर इसका अपडेट देखेंगे। ये तो बैंगन वाला तो हमारा सक्सेसफुल हो गया है, तो अभी काफी बड़े हो गए। आज हमने इसमें न्यूट्रिएंट भी चेंज कर दिया है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट, कब इसमें फल वल आते हैं, बैंगन कब लगते हैं। और टमाटर की ग्रोथ तो आज से हम नोट करना शुरू कर देंगे। तो ये है सबसे आसान मेथड आपका हाइड्रोपोनिक का। हाँ, और इसमें हमने ग्रोथ ऑब्जर्व करी, हमने कि ये नॉर्मल ट्यूबलाइट लगा दी है फिलिप्स की, और उसका मैंने, अगर आप नोटिस करेंगे तो कवर काट दिया है। आपको दिखा, जो कवर होता है ट्यूबलाइट का, वो हमने कट कर दिया है। ये अब इसमें नजर नहीं आ रहा है, बट एक वाइटिश सा कवर होता है जो हमने कट कर दिया है। तो वो कवर हमने कट कर दिया है, उससे थोड़ी लाइट की इफेक्टिविटी बढ़ गई है। और ये लाइट लगाने के बाद से मैंने थोड़ा देखा है ग्रोथ फास्ट भी हो गई है। और तो इसमें ये इनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है उसके बाद से। तो अभी हमने इसका न्यूट्रिएंट चेंज करके स्पेशली जो वेजिटेबल्स के लिए आता है वो डाल दिया है। तो अब देखते हैं दोनों की ग्रोथ कैसी होती है। करीब एक 10-15 दिन के बाद फिर हम एक नए वीडियो के साथ अपडेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। थैंक यू।